नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, मध्य विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या राहुल गांधी, किसका फॉर्मूला तय करेगा मध्य प्रदेश में विधायकों का टिकट। जी हाँ साथियों, इन सभी खबरों को जानने के लिए आप चैनल पर पहली बार भी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हाँ चलो चलते हैं खबर की। हम आपको बता दें कि मालवा निवाड़ क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है। प्रदेश का इलेक्शन और कैंडिडेट का सिलेक्शन दोनों ही दलों के लिए बेहद अहम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों ही दल ये बात पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि उनके द्वारा चयनित उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार हों। कांग्रेस ने इसके लिए सर्वे का सहारा ले लिया है, जिसके आधार पर पार्टी तय करेगी कि उसका उम्मीदवार कौन हो सकता है। हाँ दोस्तों, हम वही बात करने वाले हैं। इस बार बीजेपी इस बार कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती और सीट को छोड़कर बाकी जगह मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर तरजीह दी जा रही है। हालांकि पार्टी के स्तर पर कायस लगाया जा रहा है कि कुछ हर हेर फेर बड़े शहरों में हो सकती है, लेकिन ऐसे में पार्टी फोरम का फैसला अंतिम माना जाएगा। ये तय है कि कांग्रेस में क्या होगा फॉर्मूला। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, उम्मीदवारी हमारा टिकट तय करेंगे फॉर्मूला। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिछले दिनों इंदौर में आए और कांग्रेसी नेता से कहकर जा चुके हैं। भैया, हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने इंदौर में सांवेर सहित प्रदेश की 66 विधानसभाओं का सघन दौरा किया था, जहां पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने निकट वर्तमान पर प्रेस वार्ता के दौरान ही कहा था कि हम अपने स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं और टिकट उन्हें दिया जाएगा जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे। जी हां साथियों, इस बार किसकी सरकार बन सकती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।